उत्तरकाशी में पिछले 15 दिनों से सिलकियारा टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई है, जिन्हें बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हर तरह की कोशिश की जा रही है जिससे मजदूरों को बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अब खबरें यह भी फैल रही है कि इस सुरंग को देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी बना रही है। इस खबर के पीछे क्या है सच्चाई और अडानी की कंपनी इस पूरे मामले पर क्या सफाई दे रही है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में क्या अडानी ग्रुप जिम्मेदार है? मौजूदा समय में बचाव कर्मी 40 से अधिक श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलकियारा बारकोट मार्ग के अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद से लगातार ये बात सोशल मीडिया में तैर रही है कि इस सुरंग को बनाने वाली कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि अडानी समूह ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि उत्तराखंड में ढही सुरंग के निर्माण में उसकी भागीदारी है या नहीं। तो चलिए इसको आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कंपनी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वो इसे इस घटना से जोड़ने के प्रयासों की कड़ी निंदा करती है। उत्तरकाशी सुरंग के निर्माण में अडानी समूह या उसके किसी सहायक कंपनी की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। भारतीय समूह ने सोमवार को एक मीडिया बयान में कहा कि कुछ तत्व उन्हें उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग के दुर्भाग्यपूर्ण ढहने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सुरंग का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कर रही थी। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया के एक हिस्से में सिलकियारा सुरंग के निर्माण को लेकर के एक खबरें वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अडानी समूह इसके निर्माण में शामिल है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने मीडिया में ये बयान देते हुए कहा, हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि सुरंग के निर्माण में शामिल कंपनी में हमारा कोई शेयर नहीं है। प्रवक्ता ने आगे कहा, इस समय हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं फंसे हुए श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ है। दरअसल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसमें काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभी भी कई एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हुई हैं और निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।